हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इट्स माय लॉक्स और आपका इट्स माय लॉक्स में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग दोबारा से प्रियोन कार मार्केट आए हुए हैं और आज नए डीलर को लाए हुए हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही आप लोग को कलेक्शन दिखा चुके हैं इससे पहले भी, और आज नए डीलर को लाए हैं जहाँ पर लो बजट की भी गाड़ियाँ अवेलेबल थी और काफ़ी अच्छी कलेक्शन था गाड़ियों का। यहाँ पर शॉप का नाम है अयान कार सेल्स, जो कि बादशाह नगर में पड़ जाता है, पुरानी चुंगी के पास में। आप लोग यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं, निषादगंज उतर के भी आ सकते हैं और बाकी पॉलीटेक्निक से भी आ सकते हैं, ज़्यादा दूरी पर ये जगह नहीं है। और आज के कलेक्शन में मैं आपको काफ़ी अच्छा कलेक्शन दिखाऊंगा, जिसमें कि अल्टो कैटन होगी और फोर्ड की कई गाड़ियां होंगी, फीगो और इसके अलावा क्लासिक फिस्टा हो गई, और इसके अलावा आप लोग को और भी लो बजट की गाड़ियां दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज की सबसे पहली गाड़ी आपको दिखाते हैं। और बाकी जहाँ पे आए आप लोग को बताया, अयान कार सेल्स है जो कि पुरानी चुंगी के पास में पड़ जाता है, बादशाह नगर के पास में, और आप लोग यहाँ आसानी से आ सकते हैं निषादगंज से भी, पॉलीटेक्निक से भी। तो आज की सबसे पहली गाड़ी आपको दिखाते हैं। हमारी आज की जो सबसे पहली गाड़ी है स्विफ्ट है, जो कि VDI वेरियंट होने वाला है। कौन से ईयर का मॉडल है जगह भैया? VDI 2017 का मॉडल, ठीक है। इसमें आप लोग को फोगलेम का ऑप्शन मिल जाएगा, चारों पावर विंडो मिल जाएंगे और ऑटो फॉल्ट साइड मिरर मिल जाएगा, साइड मिरर पे ही आप लोग को इंडिकेटर मिल जाएगा। कितने किलोमीटर चली हुई है भैया? 45,000 जितनी चली होगी ऑन रिकॉर्ड चली होगी भैया, ठीक है। मीटर बैग का कोई काम नहीं है। ओनरशिप क्या आ जाती है? फर्स्ट ओनर, ठीक है। न्यू में लगभग 8 लाख के लगभग आती थी उस वक्त में, ठीक है। और इस वक्त आपके वहाँ डिमांड कितनी है? 5,90,000, ठीक है भैया। प्राइस ऐसा बताइएगा कि ज़्यादा प्राइस ना लगे और जो कि कम प्राइस में ही आ जाए गाड़ियाँ, ठीक है। जितने प्राइस होंगे नेगोशिएबल होंगे। 5,90,000, ठीक है। 5,90,000 इसकी डिमांड है, ये भी नेगोशिएबल है। और कंपनी फिटेड आप लोग को म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा और पूरी ओरिजिनल होगी। बम्पर्स पेंट है भैया? पूरी ओरिजिनल है, ठीक है। टायर कितने परसेंट मिल जाएंगे? 70%, ठीक है। 70-80% आपको इसमें टायर मिल जाएंगे। 5,90,000 डिमांड है, जो कि नेगोशिएबल है। नेक्स्ट गाड़ी आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाड़ी जो है हमारी, वो ब्लैक कलर की है स्विफ्ट, जो कि सबसे फर्स्ट शेप था, जो यहाँ पे सबसे फर्स्ट शेप लॉन्च हुआ था। ब्लैक कलर का आप लोग को मिल जाएगा। मॉडल कौन सा जाता है? 2007 मॉडल। इससे पहले वाली 2017 की थी? पहले वाली 17 की, वाइट वाली, ठीक है। 2007 मॉडल आप लोग को ब्लैक कलर की मिल जाएगी। इसमें फॉगलैम्प मिल जाएगा भैया? फॉगलैम्प नहीं है, ठीक है। पावर विंडो कितने मिल जाएंगे? ठीक है, फंक्शन मतलब सारे मिल जाएंगे। आउटो फोल्ड साइड मिरर नहीं होगा? ठीक है, आउटो फोल्ड साइड मिरर इसमें नहीं है और फॉगलैम्प भी नहीं है, ठीक है। कंपनी फिटेड आप लोग को म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। गाड़ी रीपेंट है या पूरी ओरिजिनल है भैया? पेंट है। कितने पीस पेंट है? पूरी गाड़ी पेंट है। चली कितनी हुई है भैया? 85,000, ठीक है। 85,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। ओनर सिर्फ थर्ड ओनर है, ठीक है। थर्ड ओनर आ जाएगी गाड़ी। और डिमांड क्या रखी गई है? 190,000, ठीक है। 1,90,000 इसकी डिमांड है, ये भी नेगोशिएबल है। नेक्स्ट गाड़ी हमारी फोर्ड की है, जो कि फीगो होने वाली है। चलिए उसकी भी डिटेल आप लोग को बता देते हैं। मॉडल कौन सा जाता है भैया? 2012, ठीक है। फोर्ड की फीगो है, 2012 मॉडल है। फर्स्ट ओनर, ठीक है। फॉगलैम मिल जाएगा? ठीक है, मतलब अभी है नहीं, ऑप्शन है, लग सकता है। इसमें आप लोग को दो पावर विंडो मिल जाएंगे और कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा और सीट कवर्स भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाएंगे। इसमें कितने पीस पेंट है भैया? ये भी पूरी गाड़ी से छोड़ पेंट, ठीक है। ये भी पूरी गाड़ी पेंट है। टायर कितने परसेंट? 60% टायर हैं अभी, ठीक है। अगर मेंटेनेंस की बात कर ले तो फोर्ड की गाड़ी की क्या जाती है भैया? थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है। जितनी स्विफ्ट की मेंटेनेंस लगभग उसी के लगभग आएगी,
ठीक है, और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है ये भी गाड़ी। आप लोग बाकी आके चेक करवा लीजिएगा, चाहे मैकेनिक से चाहे कंपनी में। और काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये भी गाड़ी थी। डिमांड क्या रखी गई है? 2,35,000। ठीक है, 2,35,000 है, ये भी नेगोशिएबल प्राइस है। ओके गाइस, नेक्स्ट गाड़ी अल्टो की कैटन, जैसा कि आपको बताया 2010 का मॉडल आ जाता है, वाइट कलर की भी है। ठीक है, चली कितनी हुई है? 70,000। ठीक है, 70,000 के लगभग ये चली हुई है। इसकी ओनरशिप, ओनरशिप क्या जाती है? सेकंड ओनर है। ठीक है, और कितने पीस पेंट है इसमें? ठीक है, ये छत नहीं पेंट है और पूरी गाड़ी पेंट है। और बाकी जितनी भी चीज़ें हम लोग बता दे रहे हैं, पूरी जितनी भी डिटेल है, कोई छुपाना नहीं है, जितनी भी ओरिजिनलिटी है गाड़ी की सब चीज़ हम लोग बताएंगे। ओनरशिप आ जाती सेकंड और 70,000 के लगभग चली हुई है। और इसमें कितने फंक्शंस मिल जाते हैं? इसमें दो पावर विंडो मिलते हैं, पावर स्टीयरिंग, एसी, हीटर। ठीक है, आप लोग को सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। बाकी दो पावर विंडो हैं, एसी, हीटर, ब्लोवर, जितनी भी चीज़ें वो सब तो आप लोग को मिल जाएगी। फॉग लैंप आप लोग को इसमें नहीं मिलेगा, बाकी ऑप्शन मिल जाएगा, लगवा सकते हैं। ठीक है, वेरियंट कौन सा आता? पेट्रोल है, डीजल? पेट्रोल है, एलेक्साई। पेट्रोल एलेक्साई। ठीक है, और मेंटेनेंस इसका भी ज़्यादा नहीं आता है, 2.5-3 इतने के लगभग। इतने में तो आजकल बाइक भी, स्पोर्ट्स बाइक जो होती है वो सर्विस होती है। डिमांड क्या है? 1,90,000। 1,90,000 न्यू में कितने की आती थी अभी उस वक्त? ये आ रही थी 5,00,000 के आसपास। 5,00,000 के आसपास। ठीक है, 1,90,000 इसकी भी डिमांड है, ये भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी आप लोग को दिखा देते हैं। नेक्स्ट गाड़ी जो है हमारी इंडिका है, जो कि 2008 मॉडल की आने वाली है, सिल्वर कलर की आप लोग को मिल जाएगी। कितने किलोमीटर चली हुई है? 61,000। ये भी ऑन रिकॉर्ड चली होगी भैया। ठीक है, टाटा की गाड़ी है, टाटा की गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, ये भी वाली सिल्वर कलर की आप लोग को मिल जाएगी। इसके बंपर्स पेंट है? इसके बंपर पेंट है, एक दो पूरी गाड़ी पेंट है, पूरी गाड़ी ये पेंट नहीं है। चलिए, आपने बताया 61,000 के लगभग। मेंटेनेंस टाटा की गाड़ी का क्या जाता है भैया? जीरो इसका भी है। ठीक है, उस वक्त पे कितने की आती थी? 6,00,000 रुपये। पेट्रोल या डीजल? डीजल वेरिएंट। ठीक है, डीजल पे इसका माइलेज क्या जाता है? 24 के लगभग। ठीक है, तो आप लोग को डिमांड बता देते हैं, यहाँ पे डिमांड क्या रखी गई है? 1,10,000। ये 1,00,000 में भी मिल सकती है भैया, नेगोशिएबल प्राइस है 1,10,000। ठीक है, आप लोग आके यहाँ बात कर लीजिएगा ऑन टेबल, जितना कम होना होगा हो जाएगा। आप लोग भी अपनी डिमांड रखिएगा और भैया भी अपनी डिमांड रखेंगे। आप लोग बाकी बारगेनिंग करवा लीजिएगा, 1,10,000 डिमांड है, कम ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी जो है हमारी फोर्ड की फिगो ही है, अभी आप लोग को एक पहले दिखाई थी, ये सिल्वर कलर पे आ जाती है भैया। ठीक है, आप लोग को ये सिल्वर कलर पे मिल जाएगी। मॉडल 11 मॉडल है ये। ठीक है, ओनरशिप? सेकंड ओनर। ठीक है, चलिए कितनी हुई है भैया? 75,000 के। ठीक है, 75,000 के लगभग ये चली हुई है। नंबर इलाहाबाद का है कि? नंबर लखनऊ की एनओसी आ गई है। ठीक है, एनओसी आ गई है, तो ओनरशिप इसकी सेकंड है। ठीक है, UP 70 नंबर की मिल जाएगी, इलाहाबाद का नंबर है और एनओसी जैसा कि भैया ने बता दिया आ गई है। और भैया यहाँ पे जैसे कि अगर डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो ट्रांसफ़र होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? कोई है, प्रॉब्लम नहीं आती, आधार लगेगा, दो फोटो लगेगी। ठीक है, नहीं जैसे कि डॉक्यूमेंट नहीं कम्प्लीट हो पाते हैं, ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला? ठीक है भैया, चलिए कितनी हुई है? 75। हाँ हाँ, ओके। ओनरशिप सेकेंड। ठीक है, डिमांड क्या रखी गई है? 2,20,000। 2,20,000 डिमांड है। फॉग लैंप का आप लोग को इसमें ऑप्शन मिल जाएगा, दो पावर विंडो मिल जाएंगे, एसी मिल जाएगी, हीटर मिल जाएगा और ब्लैक कलर का इंटीरियर आप लोग को मिल जाएगा, कंपनी फिटेड, म्यूजिक सिस्टम आप लोग को मिल जाएगा और फॉग लैंप आप लोग को बताया दे। टायर कितने परसेंट मिल जाएंगे भैया? टायर इसके 50% 50% टायर मिल जाएंगे। डिमांड आपने बताई 2,20,000। ठीक है, 2,20,000 इसकी डिमांड है, ये भी कम हो जाएगा। न्यू में ये लगभग 5 से 6 के लगभग आती होगी। ठीक है भैया, नेक्स्ट गाड़ी जो है हमारी फोर्ड की ही गाड़ी है, लेकिन क्लासिक फिस्टा है, जो कि आप लोग को चलिए दिखा देते हैं। सिल्वर कलर की आप लोग को ये भी मिल जाएगी, लेकिन ये नंबर आप लोग को 78 मिलेगा, यानी कानपुर का नंबर। एनओसी भैया? ठीक है, लखनऊ ट्रांसफ़र है, यानी ये भी सेकंड ओनर है। ठीक है, चलिए कितनी हुई है भैया? 85,000। ये तो आप लोग को सेडान में आ जाती है और आप लोग को ये तो एकदम लग्जरी गाड़ी होती थी लगभग, इसमें सारे फंक्शंस आप लोग को मिल जाते थे। चारों पावर विंडो मिल जाएंगे भैया, एसी, हीटर, ब्लोवर, सारी चीज़ें मिल जाएंगी और जितनी भी चीज़ें होंगी वर्किंग कंडीशन में होंगी भैया, एसी वैसी सब? एसी सब वर्किंग। ठीक है, इसके कितने पीस पेंट हैं? इसके 3-4 पीस पेंट। 3 से 4 पीस खाली पेंट है।
ठीक है, ठीक है भैया। और UP 78 कानपुर का नंबर है, ओनरशिप सेकंड है। चलिए आपने बताया 85,000, ठीक है। न्यू में उस वक्त कितने की आती थी? 8 लाख रुपये। 8 लाख रुपये की। वेरिएंट कौन सा आया था, डीजल पे या पेट्रोल पे? डीजल। ठीक है भैया, डीजल पे माइलेज क्या जाता होगा, 20 के लगभग? 24। ठीक है, 22 या 24 के लगभग माइलेज आ जाता है। ठीक है, डिमांड क्या रखी गई है? 2,10,000 इसकी डिमांड है। ये भी नेगोशिएबल प्राइस है, कम हो जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी आप लोग को दिखा देते हैं। नेक्स्ट गाड़ी जो है हमारी, आप लोग को थोड़ा लो बजट में भी दिखा दें, जो लोग लर्निंग पर्पज से लेना चाहते हैं या छोटी फैमिली के लिए लेना चाहते हैं, तो मारुति सुजुकी 800 है, तो वो भी आप लोग को दिखा देते हैं। वाइट कलर की मॉडल भैया, 2001 मॉडल। ठीक है भैया, अभी 5 साल तक चल भी सकती है गाड़ी। ठीक है, ओनरशिप इसकी क्या पूछे? फर्स्ट ओनर है 2001 से। ठीक है भैया, पेंट नहीं है। ठीक है, टायर कितने परसेंट मिल जाएंगे? 50% है अभी, मतलब चला सकते हैं। ठीक है भैया, और चली की बात कर ले तो 2001 से तो ज़्यादा चली होगी। चली ज़्यादा नहीं, नहीं 32,000 ओरिजिनल चली होगी। 32,000 केवल खड़ी रही है। 2001 से 32,000 काफ़ी कम चली हुई है। कम चली तभी ओरिजिनल गाड़ी। हाँ हाँ सही है, और स्क्रैचेस कुछ ही आप लोग को मिलेंगे इस पर। ठीक है, क्योंकि पूरी ओरिजिनल है तो 2001 से आज तक चली है तो स्क्रैचेस तो आए होंगे भैया। डिमांड क्या रखी गई है? 75,000 डिमांड है। ठीक है, 75,000 डिमांड है। इसका डिमांड तो हल्का सा ज़्यादा है, लेकिन गाड़ी भी ओरिजिनल है। वही चीज़ भैया, 2001 से जितनी भी चली है ऑन रिकॉर्ड चली है, 75,000 नेगोशिएबल प्राइस है, कम हो जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी जो है हमारी, वो भी मारुति 800 है, लेकिन हम लोग मरून कलर के आपको दिखा देते हैं। मॉडल 2000 का मॉडल। ठीक है, काफ़ी लोअर मॉडल्स हैं, लेकिन वो भी ओरिजिनल है कि पेंट है? ठीक है, ओरिजिनल है। एसी मिल जाएगा? ठीक है, एसी आप लोग को मिल जाएगा। और हीटर, पावर स्टीयरिंग? हाँ, पावर विंडो तो नहीं, मैनुअली आप लोग को विंडो मिल जाएगा। टायर कितने परसेंट मिल जाएंगे भैया? 50% टायर हैं अभी। ठीक है, इसकी ओनरशिप क्या है? फर्स्ट ओनर है। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, क्योंकि काफ़ी पुरानी भी है तो कोई बिलीव नहीं कर रहा है, लेकिन जितनी भी ओरिजिनल है जो है ओरिजिनल है, बिल्कुल सही बात। ठीक है भैया, चली कितनी हुई है? ये चली है 60,000 के लगभग। ठीक है, 60,000 के लगभग ये गाड़ी चली हुई है। डिमांड इसकी क्या जाती है? इसकी डिमांड है 60,000, जो कि नेगोशिएबल है। ठीक है, 60,000 इसकी डिमांड है, ये भी नेगोशिएबल है। तो हमारी वीडियो की आज ये लास्ट गाड़ी थी, तो वीडियो को एंड करने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि फाइनेंस फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है। भैया फाइनेंस अवेलेबल है? अवेलेबल। ठीक है, यूपी वालों के लिए या लखनऊ वालों के लिए, ऑल इंडिया? ठीक है, यूपी वालों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लग जाते हैं भैया? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, ITR, बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ITR चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है। और बाकी बिजली का बिल, आधार कार्ड, ये सब भी लग जाएगा? ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ओके भैया, तो अगर ट्रांसफ़र की बात करें तो कितने रुपये चार्जेस लग जाते हैं ट्रांसफ़र करवाई? लखनऊ में ट्रांसफ़र कराते हैं गोविंदा तो 3500 रुपये चार्जता है। ठीक है, तो 5,000 रुपये का। ठीक है, लखनऊ वालों के लिए 3500 और बाहर वालों के लिए लगभग 5,000 का आ जाता है। ठीक है, और बाकी ट्रांसफ़र होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भैया? हफ्ते भर में हम ट्रांसफर कराएंगे। ठीक है, ये अच्छा है कि आप लोग को हफ्ते भर का ही, लेकिन उससे अंदर ही हो जाएगा। हफ्ते भर का टाइम ले रहे हैं? हाँ, मैक्सिमम टाइम लिया जाता है, क्योंकि कभी कभी हल्का सा लेट हो जाता है। हाँ वो तो है भैया। ठीक है, तो आप लोग को पूरी डिटेल दे चुके हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में बता चुके हैं। NOC भी किसी भी जिले की निकल जाएगी? हाँ, किसी भी जिले की। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। ओके गाइस, तो आज आपको काफ़ी अच्छा कलेक्शन दिखाया है, तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिएगा और साथ ही सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे अच्छा अच्छा कलेक्शन लाते रहते हैं, चाहे प्री ओन्ड कार्स का हो, चाहे प्री ओन्ड बाइक्स का हो, चाहे प्री ओन्ड कमर्शियल व्हीकल का हो। और आज भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन दिखाए थे। अगर आप लोग ने मुझे अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नहीं फॉलो किया है तो आप लोग उस पर भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग कोई भी वीडियो लाने से पहले उस पर पहले अपडेट दे देते हैं कि हम लोग का कौन सा व्लॉग आने वाला है। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।